नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट क्राइम्स क्या होते हैं, है ना। इनकम्प्लीट क्राइम एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है ना। अगर इनकम्प्लीट क्राइम के बारे में नहीं जानते हो तो आपका जो क्राइम है वैसे ही कमिट हो जाएगा। पिछले चैप्टर में बताया था आपको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है, बिना आपकी इंटेंशन के ही आप अपराधी हो जाओगे। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में दो चार केस बताए थे आपको, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए और इसके आगे बढ़ना है, जिसमें बोला गया है इनकम्प्लीट क्राइम्स। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, इनकम्प्लीट क्राइम्स, दोनों लगभग सेम ही है ना। तो यहाँ जानते हैं इनकम्प्लीट क्राइम्स क्या होते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है, इनकम्प्लीट क्राइम्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन में लिखोगे इनकम्प्लीट क्राइम मतलब अधूरे क्राइम वह होते हैं जिनमें अपराध कमिट नहीं होता है, अपराध होता नहीं है लेकिन अब लाइबल हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बता दें कि इनकम्प्लीट क्राइम, जैसे ए एक व्यक्ति है और बी को बोलता है कि जा सी को मार दे। ए एक व्यक्ति है, बी को बोलता है कि जा सी को मार दे। बी जाता है, सी को बोलता है कि ए ने आपको मारने की सुपारी दी है। सी तुरंत सतर्क हो जाता है और सी कहाँ जाता है, सी जाता है पुलिस स्टेशन। सी पहुंचता है पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन जाके सी बोलता है कि साहब हमारी रक्षा करें। तो पुलिस ऑफिसर बोलता है क्या हो गया भाई, तुम तो बिल्कुल सही सलामत आए हो यहाँ पे। तब सी क्या बोलता है, ये जो बी बंदा हमारे पास खड़ा है या हमारी सुपारी लेके आया है। तो पुलिस वाला बी से पूछता है कि भाई सुपारी किसने दी, और आप सुपारी दी है तो आपने मारा क्यों नहीं। बी बोलता है कि मैं मर्डर करना नहीं चाहता हूँ, मैं अपराध करना नहीं चाहता हूँ, मुझे किसने बोला है, मुझे ए ने बोला है कि जा सी को मार दे, मुझे ए ने बोला है कि जा सी को मार दे। पुलिस तुरंत आती है कहाँ पे, पुलिस आती है ए के पास कि भाई तूने क्यों बोला, सुपारी क्यों दी बी को सी को मारने के लिए। तब ए बोलता है कि साहब मैंने सी को मारने के लिए बी को सुपारी दी थी लेकिन बी ने सी का मर्डर या हत्या डकैती लूट जो भी क्राइम करने के लिए बोला होगा वो नहीं किया, तो मैं यहाँ पे अपराधी नहीं हूँ। और बी करता जो सी का मर्डर तो बी यहाँ पे लाइबल होता, लेकिन यहाँ पे लाइबल बी भी नहीं है। लेकिन सेक्शन 115 इंडियन पेनल कोड सेक्शन 115 बोलता है जब कोई व्यक्ति किसी को मारने की सुपारी देता है, सुपारी लेने वाला बंदा वह क्राइम कमिट नहीं करता है और उस बंदे को बता देता है कि तुमको मारने के लिए इस बंदे ने सुपारी दी है, और जिसको मारने के लिए सुपारी दी थी है ना, जो मरने वाला था वह बंदा पुलिस में कंप्लेन कर देता है, तो जिस बंदे ने सुपारी दी थी पुलिस उस पर जाके पूछताछ करके अपराध को सिद्ध कर देती है। तो उस बंदे के ऊपर इनकम्प्लीट क्राइम्स के अंतर्गत है ना, क्योंकि बंदे ने प्रयास तो किया ना मरवाने का, तो इनकम्प्लीट क्राइम्स हो जाएगा, क्राइम पूरा नहीं हुआ। तो सेक्शन 115 के तहत, किसके तहत, सेक्शन 115 के तहत है ना, उस व्यक्ति को 7 साल की सजा व जुर्माना होगा। कितना होगा, 7 साल की सजा एवं जुर्माना होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसकी इंटेंशन गलत है। एक ही इंटेंशन गलत है ना, अटेम्प्ट नहीं हुआ, बात दूसरी है, इंटेंशन गलत है ना। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में दो चीज़ें बताई थी, फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी, नॉन फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी, जिसमें एक में सोच की जरूरत थी, दूसरे में सोच की नहीं जरूरत थी, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। यहाँ पे सोच है तो हम उन सेक्शन में न जाते हुए इसकी तो सोच ही है डायरेक्ट मारने की है ना, बस क्राइम कमिट नहीं हुआ, तो सेक्शन 115 इसको डील करता है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर ले, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, धन्यवाद।